हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज हमारी इस क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं एक प्रॉब्लम के ऊपर, जो कि हमारे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है, हमारे व्यूअर मेरे ऐप यूजर्स ने मुझसे पूछा है। जी हाँ, आप लोग भी मेरे ऐप यूज करते हैं तो आप भी मुझे डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल के ऊपर, अगर छोटी मोटी सवाल हो तो मैं वही पे सजेशन दे दूंगा, बड़ी सवाल के ऊपर हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोज बना के यूट्यूब पे या फिर ऐप पे स्टोर करेंगे। तो फटाफट वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, एप्पल का भी और एंड्रॉयड का भी, दोनों का दिया हुआ है, फटाफट मेरे ऐप को डाउनलोड करें। चलिए पहले बताते हैं क्वेश्चन क्या है। तो बेसिकली हमसे एक सवाल पूछा गया, हमारे यूजर है, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा है कि इनके पास इतना बड़ा नंबर्स है, इस नंबर को हर सेल में दो दो में डिवाइड करना है, मतलब बांट देना कि भाई 46 पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि 46, 63, 32 ऐसे अलग अलग कॉलम में रखना है। अब इसके फॉर्मूला तो कोई नहीं, बट बनाना पड़ेगा। वो इसके लिए वीवी यूज नहीं करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया हुआ, लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपका जो है लेटेस्ट वर्जन पे ही पॉसिबल है। क्यों मैं बताता हूँ, इसका मैनुअल कंसेप्ट क्या है, इस चीज को देखिए। हमने नंबर डाला यहाँ पे, तो मिड का फॉर्मा लगेगा, मिड हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉमा पहले एक से लेके दो, मैनुअल कंसेप्ट है, फिर वापस मिड का फॉर्मूला, इसको सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे और नंबर चलाते जाएंगे तीन से लेके दो आ गया 12। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, इन्हीं के टेक्स्ट के ऊपर करता हूँ तो ज्यादा उनको समझ में आए। टेक्स्ट नहीं लाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे वापस मिड इसको सिलेक्ट किया और हमने बोला 5, 2, मतलब इतने लेटर के बाद, इतने करेक्टर के बाद लेटर को रिमूव कर देना है। तो नॉर्मल जो फॉर्मूला है, जो कि सारे वर्जन में यूज होगा, इसी फॉर्मूले को कर सकते हैं, यहाँ पे 7, 2 इस तरह से। लेकिन मुझे एक साथ करना है, तो सबसे पहले आप इसमें से लेन ले लीजिए, इसका लेन क्या है, इसका लेन है 26। तो फिर आप एक एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर फॉर्मूला लगा, एक एरिया 26 है मतलब कि दो दो से डिवाइड होगा तो 13 का होगा, 13 सेल आप इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे मिड का फॉर्मूला लगेगा और फिर कॉमा कर्ली ब्रैकेट में 8, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23 and 25, 2, 0 और फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कर दे, आपका अलग हो जाएगा, दो दो लास्ट में एक बचा तो एक ही अलग करेगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर नंबर बड़ा हुआ और बहुत सारे नंबर हुए तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में ये जो नंबर दिख रहा है आपको सर, इस नंबर को कुछ ऑटोमेट, बस इसी को ऑटोमेट करना है कि कैसे कर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रो का, रो का फॉर्मूला मैं दूंगा और मैं 1 से लेके 26 तक यहां लिखता हूं, एंटर प्रेस कर देता हूं तो आप देखेंगे, लेकिन यहां से सभी, लेकिन ये चीज लेटेस्ट वर्जन में होगी सर, ओल्डेस्ट वर्जन में नहीं, क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मूले ऐसे लगने हैं। अब मुझे इसमें से सिर्फ मुझे मोड का फॉर्मूला, सॉरी ऑड नंबर लेने हैं, सिर्फ ऑड नंबर। तो यहां भी इफ कंडीशन लगा है कि इफ इज ऑड, और हमने इसको किया, अगर ट्रू है तो यहां पे रो को एरे फॉर्मूला कहा जाता है, 1 से 26
अदर बाय ब्लैंक, इसे क्या हुआ कि हट गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लगा, अगर मान लीजिए सेम फॉर्मूला अगर लोअर वर्जन आपका है, अब यहाँ तक तो लोअर वर्जन में वर्क कर जाता है, तो अगर आप लोअर वर्जन आपके पास है तो इस सेम फॉर्मूले को यहाँ जहां आपने लगा रखा है नंबर, इस पे कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा रो के, रो लगा हुआ है ना तो कॉलम वाइज नहीं आएगा, रो वाइज आएगा, उसको कोई बात नहीं, ट्रांसपोज का फॉर्मूला हम ट्रांसपोज कर देंगे। नंबर हमने मैनुअल लिख रखा है उसके जगह पे इसको पेस्ट कर, यहाँ पे देख रहे एरर आ गया ना, तो आप इसके लिए इफ एरर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, इफ एरर और यहां पे ब्लैंक। अब लेकिन मुझे तो कॉलम वाइज चाहिए, तो इसी को आप ट्रांसपोज फॉर्मूले से ट्रांसपोज, बट ये प्रॉब्लम है कि एक एक कॉलम छोड़ के करेगा, इतना फॉर्मूले आप किसी भी वर्जन में कर सकते हैं, ये जो है किसी भी वर्जन में इसका यूज कर सकते हैं आप, ऑटोमेटिक हो गया आपके हिसाब से चले, रो के हिसाब से चलेगा, बस यहाँ पे जो 26 है इस 26 को ऑटोमेट करना पड़ेगा इसके लेंथ से, तो इसके लिए हम यहाँ पे इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें हम कंबाइन कर देंगे एन परसेंट लगा के लेंथ से, एल ई एन लेंथ इसको सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दीजिए या सिर्फ नॉर्मल एंटर कर दीजिए, तो जितना लेटर वो होगा उतने लेटर के हिसाब से चलेगा, आप उसको नीचे ड्रैग कर। लेकिन प्रॉब्लम है कि नहीं नहीं ये जो एक एक करके एक एक रो कॉलम छोड़ के आ रहा है ना, मुझे इस एक एक कॉलम को नहीं छोड़वाना है, कंटिन्यूस होना चाहिए, जैसे कि हमारा ये ऊपर वाला कंटिन्यूस है, इस तरह से कंटिन्यूस होना चाहिए। तो उसके लिए फिर आपको इसमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा शॉर्ट का। देखिए शॉर्ट फॉर्मूला सिर्फ आपका ऑफिस 365 या 2019 में ही मिलेगा, सो यहाँ पे एक चीज दिक्कत है, 1.1 कर दीजिए, तो ये क्या करेगा कि इस तरह से सारे नंबर को सिक्वेंस कर देगा, जी हाँ सारे नंबर को सिक्वेंस कर देगा, फिर आपको क्या करना है कि ये सीक्वेंस वाली फॉर्मूले को कॉपी करना है और जहां आपने जो इफ एरर और इतना ये दे रखा है ना, आपने नेम में लगा रखा है रो में, बस उसके जगह पे पेस्ट कर, कि यहां हम देंगे फॉर्मूला मिड का, मिड में हमने इसको सिलेक्ट किया कॉमा, इसको आरटी वाला फॉर्मूला डाल दीजिए एंड कॉमा डाल दीजिए और कंट्रोल शिफ्ट एंटर, मतलब सिलेक्शन करना हो, याद रखिएगा सिलेक्शन कर लीजिए 25-30 और एंटर मार, आ गया आपका। लेकिन मुझे तो कॉलम वाइज चाहिए, तो वही बात है हम यूज करेंगे ट्रांसपोज, और इसमें नीचे आगे अगर एरर आएगा तो उसके लिए तो हमारे पास इफ एरर का फॉर्मूला तो है ही, इफ एरर लगा दीजिए, हो गया। अब जितना डिजिट होगा उतने डिजिट से चलेगा, पूरी तरह से ऑटोमेटेड फॉर्मूला हो गया, हर बार को दो अलग अलग तरीकों से एक कर रहा है, इसका इस्तेमाल आप अपने ऑफिशियल लाइफ में आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप लोग इसी तरह की और भी वीडियो जब पूरी तरह से आप भी चाहते हैं कि मैं इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लगा सकूं, तो आप हमारे चैनल इस पे ऐप पे जाइए और मेरे ऐप को स्टोर कीजिए, और उसमें जो कोर्सेज है बहुत ही रीचेबल प्राइस में है, कोई ज़्यादा प्राइस उसकी कोर्सेज की नहीं है, उस कोर्सेज को आप ले सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हम दिखाएं मेरे कोर्सेज का पेप व्यू में दिखा रहा हूँ, और मेरे कोर्स पे अपने मोबाइल फ़ोन पे भी और ऐप पे भी, इसमें वेब पे भी, वेबसाइट पे भी यूज़ कर सकते हैं, मेरा वेबसाइट है, इसके स्टोर सेक्शन में मैं जाता हूँ
तो स्टोर सेक्शन में आपको यहाँ पे मेरे कोर्सेज दिख जाएंगे। जी हाँ, अब जैसे कि कंप्लीट कोर्स की इसमें आपका एडवांस एक्सेल के कोर्स है जिसमें तकरीबन 115 वीडियोस और तकरीबन 70 घंटे का पूरी पूरी वीडियोस है, पूरा सीक्वेंस है। और ये भी आपका सेम 150 घंटे का है, 290 वीडियोस, 298 और एक वीडियो यहाँ पे 290 वीडियोस। और इसको अगर आप इसकी कंटेंट में जाते हैं तो ये रहा इसका पूरा एडवांस एक्सेल, वीवीए मार्क, एमएस एक्सेस एंड सिक्योर। एडवांस एक्सेल के 115 वीडियोज है, वीवीए के 101 है, एक्सेस के 48 है एंड एसक्यूएल का 24 है। और इसमें डैशबोर्ड भी सम्मिलित है, अगर कोर्स में जाते हैं तो देखिए ये आपका पूरा का सिक्वेंसली आपको मिलेगा सीरियल नंबर से आपका। इसमें आपका मैम यहाँ देखिए रिलीज का रिलीज वीडियो जो है वो आपको यहाँ देखिए। तो भी अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अभी ही मेरे ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू, बाय।